आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक ऑयल क्रॉप्स। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? आंसर, ब्रैसिका कैंपेस्ट्रिम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सरसों के बीज कहाँ विकसित होते हैं? आंसर, सिलिकुआ नामक फल में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक महत्वपूर्ण वाष्पशील कौन है? आंसर, खस। क्वेश्चन नंबर फोर, खस को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? आंसर, बेबीवेरिया जिजेनाइट्स की जड़ों से। क्वेश्चन नंबर फाइव, मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? आंसर, एरेकिस हाइपोजिया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? आंसर, कोकोस न्यूसीफेरा। क्वेश्चन नंबर सेवन, दक्षिण भारत में खाना पकाने का प्रमुख माध्यम क्या है? आंसर, नारियल। क्वेश्चन नंबर एट, सूखने वाले तेल का नाम क्या है? आंसर, अलसी का तेल। क्वेश्चन नंबर नाइन, अर्धशुष्कन तेल कौन सा है? आंसर, सरसों का तेल। क्वेश्चन नंबर टेन, अशुष्कन तेल, आंसर, मूंगफली का तेल। क्वेश्चन नंबर इलेवन, तिल का वानस्पतिक नाम, क्वेश्चन, सीसम इंडिकम। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, नारियल तेल का द्रवांक क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। आंसर, 24 डिग्री 24 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, यांत्रिक निष्पीड़न, मैकेनिकल एक्सपल्सन का कार्य बड़े कारखानों में किस मशीन के द्वारा किया जाता है? आंसर, हाइड्रोलिक मशीन। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, पाम ऑयल प्राप्त होता है? आंसर, एलाइस गिनिनसिस। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, शुष्क तेल की आयोडीन संख्या है? आंसर, 130 से अबव। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, सबसे अधिक संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं? आंसर, नारियल तेल में। क्वेश्चन नंबर सेवनटीन, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के एक नोटिस के अनुसार तेल की पैकिंग पर प्रति 100 ग्राम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स व शर्करा का क्या मान लिखना जरूरी है? आंसर, शून्य। क्वेश्चन नंबर 18, आरिजानल किस तेल में पाया जाता है? आंसर, धान के छिलके के तेल में। क्वेश्चन नंबर 19, खाद्य तेलों के लेवल पर 100 ग्राम तेल में ऊर्जा का मान लिखा होता है? आंसर, 900 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र स्थित है? आंसर, जूनागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? आंसर, भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 22, किसका अधिक मान तेल को उच्च गुणवत्ता व पोषक मान वाला बनाता है? आंसर, प्यूफा, PUFA। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट्स भी कीजिएगा। धन्यवाद।